अस्सलाम वालेकुम, आई एम असद इकबार एंड वेलकम टू माय HTML CSS क्लास 2 एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्लास 2 एंड सो वी विल मेक आवर क्लास 2 फोल्डर सो दैट वी मे स्टार्ट वी कैन स्टार्ट वी कैन डू स्टार्ट सॉरी सो हेयर इज आवर न्यू फोल्डर एंड cmd and code space dot so that we can start our editor और इसमें हम अपना काम से कर सकें. तो जो सा हमने सबसे पहले बनानी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की का पेज. ठीक है, तो ये बन गया. थोड़ा सा टाइम लेगा ये वाला क्योंकि मेरा पीसी थोड़ा सा स्लो हुआ है आजकल. तो ले या बूम बन गया. तो HTML फाइल, ठीक है, तो इस तरह हमने सेलेक्ट कर लिया. तो क्लास टू यहाँ पे आएगा. तो आज हमारा जो सा बेसिकली सेशन है ना, इसमें हम एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे क्योंकि हमारे कोर्स का नाम ही शॉर्ट है. तो हम ट्रिक देखेंगे जिसमें आप लोगों को मतलब पता चल जाएगा कि एक पोर्टफोलियो हम कैसे बना सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में. तो वो हम बनाते हैं, चले देखते हैं. सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं. तो गूगल कहाँ पे है, यहाँ पे गूगल बाबा, गूगल बाबा ये देखें. ठीक है, तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं गूगल क्रोम. तो यहाँ पे हम टेलविंड सी एस एस पे जाएंगे. टेलविंड सी एस एस, ठीक है. तो ये इसकी वेबसाइट आ गई. यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी चले जाना है. यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में डायरेक्ट चले जाना है. तो देन यहाँ पे नीचे नीचे आना है. तो सॉरी यहाँ पे नहीं, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट बिल्डिंग, स्टार्ट राइट इन द ब्राउजर, स्टार्ट लर्निंग. तो हम क्या करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं बेसिकली. स्टार्ट बिल्डिंग, तो सॉरी ये वाला नहीं, स्टार्ट लर्निंग. तो यहाँ पे हम देखना नीचे जाना है. ये सारे के सारे अलग अलग से सब टॉपिक्स हैं. तो जो से हैं मतलब के फ्रेमवर्क्स वगैरह के साथ डिफरेंट टाइप के साथ कैसे कैसे यूज़ करना है, इंपोर्ट करना है या फिर डिपेंडेंसी स्टार्ट करनी है यूजिंग टेलविंड सी एल आई वगैरह. तो यहाँ से नीचे आते जाना है, आते जाना, आते जाना. तो नीचे डिसेबलिंग ऑटो फिक्सर वगैरह, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं. तो हमने यूजिंग टेलविंड वाया सी डी एन, ये सबसे एंड पे बड़ी हो गई. ये देखें ये एंड पे ही है, एंड वाले पोर्शन में वाया सी डी एन, क्योंकि ये वाला हमने लिंक यूज़ करना है, थ्रू लिंक हमने करना है क्योंकि बेसिकली हम एडिटर पे सिंपली यूज़ कर रहे हैं. तो हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल वगैरह नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हमने आके जस्ट इसको पेस्ट कर देना है. ठीक है, सॉरी मेरा कीबोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है. ठीक है, तो ये वाला काम हो गया. ये अब हमारा लिंक हो गया है टेलविंड सी एस एस के साथ. हम टेलविंड सी एस एस डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करेंगे. तो हम एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे. तो क्योंकि आज पोर्टफोलियो बनाना है टेल, तो ये एक टेल ब्लॉक डॉट सी 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 के नाम से एक वेबसाइट है. तो यहाँ पे हमने चले जाना है. तो यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे हमें बने बनाए कंपोनेंट मिलेंगे. ये देखिए ये बने बनाए कंपोनेंट्स मिलेंगे. ठीक है, तो कॉन्टैक्ट का देखना है, कॉन्टैक्ट्स का ये वाले बने बनाए मिल जाएंगे हमें. बिल्ट इन है, हमें इनका कोड मिल जाएगा, इनका लेआउट जो से कलर स्कीम जो अगर चेंज करनी हो तो वो हो सकती है यहाँ से. ठीक है, इसके अलावा जो से हमने चले जाना है नीचे, हमने जाना है हेडर सबसे पहले बनता होता है ना, तो हमें हेडर पे चले जाना. तो हेडर में सबसे बेहतर कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा देख लेते हैं, देख लेते हैं. ये वाला सबसे बेस्ट नहीं, ये वाला यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो इसमें जो सा सबसे पहले कलर स्कीम
मुझे ये रेड या ब्लू, ये रेड यूज़ कर लेते हैं, रेड अच्छा लगता है तो रेड यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया ये कोड, प्रीव्यू में गए, ठीक है प्रीव्यू में ये है कोड देखना है, तो कोड ये ऊपर सॉरी ऐड चल रहा है एक, तो नीचे ये देखा प्रीव्यू में जो सा कोड है, एक कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, तो यहाँ पे चले गए हम अब अपने एडिटर में। तो यहाँ पे जस्ट पहले एक दफ़ा वो कॉपी हुआ हुआ है, लेकिन मैं दिखा दूँ आपको, ओपन डिफॉल्ट ब्राउज़र, ये जस्ट खाली पेज था पहले, तो जस्ट मैंने यहाँ पे आके वो वाला कंट्रोल वी किया, पेस्ट किया, तो ये वाला कोड, और जस्ट जाके यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो अगर आपका नहीं शो हो रहा ना तो ये कंट्रोल एस कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो ऑटो पे लगाया हुआ, ऑटो सेव पे, तो अक्सर का तो ऐसा होता है कि ये सेव नहीं हो पाता, तो इसी के साथ हमारी ये ऊपर लग गया, तो जो सा हेडर लग गया, तो हम इनके फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक, इनके नेम चेंज कर लेते हैं। तो वो कैसे चेंज होंगे, यहाँ पे हम जल्दी से आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं, ये फर्स्ट लिंक सेकंड लिंक, ये देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देते हैं यहाँ पे होम, यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट, देन कॉन्टैक्ट, ठीक है सॉरी वो कॉन्टैक्ट एंड देन पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, सॉरी प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स, तो इस तरह हमने ये चेंज कर लिया है, तो जाके अब चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिए होम अबाउट कॉन्टैक्ट टेल बॉक्स में हम अगर अपना टेल ब्लॉक जहाँ पे है वहाँ पे अपना अगर नेम लिखना चाहें तो ये पड़ा हुआ है, ठीक है तो नेम लिख लेते हैं, मेरा नाम असद इकबाल, असद इकबाल, ठीक है तो ये हो गया। चलिए इसी के साथ ये चेंज हो गया। अगर लोगो चेंज करना चाहते हैं, लोगो इसने SVG फॉर्मेट में लगाया हुआ है, तो आप कोई भी उठा के लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसा आपने बनाया हुआ है और जिस फॉर्मेट में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ना हेडर, तो हमें क्योंकि वीडियो शॉर्ट करनी है तो इस वजह से हमें टाइम थोड़ा सा कम लगाना पड़ेगा, तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला फर्स्ट पोर्शन तो हो गया, इसके साथ ही हम लगा लेते हैं सेकंड पोर्शन, तो हेडर के बाद आ जाता है जोन से उसका फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन में हम कहाँ पे गया, CTA, ये CTA लगाते हैं, ठीक बल्कि CTA नहीं सॉरी CTA नहीं, ये लगा लेते हैं या फिर ये वाली लगा लेते हैं, फीचर फुटर गैलरी हेडर हीरो, सॉरी ये वाला पोर्शन लगेगा हीरो वाला, तो ये हम यहाँ से ये वाला सबसे बेस्ट लग रहा है, या फिर ये वाला लगा लेते हैं, ये वाला ठीक रहेगा, तो इसको व्यू कोड इसको जस्ट कॉपी किया यहाँ से जाके एंड बूम अपना ये काम हो गया। तो इसी तरह ये वाला पेज हमारा ऑलमोस्ट देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, रिस्पॉन्सिवनेस भी अपना शो करवाती है, तो देखिए बिल्कुल रेस्पॉन्सिव हो गए, जिस हिसाब से भी आप करना चाहें वो रेस्पॉन्सिव हो जाएगी, तो जो सा जैसे भी करना चाहिए जिस हिसाब से भी, तो देखिए कैसे इसमें इतना टाइम लग सकता है कि आपकी सोच है, तो यही हमने 5 मिनट में काम कर लिया। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, बल्कि यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेते हैं, तो अपनी मैं इमेज लगाना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इमेज कहीं से उठा लूँगा, तो मैं उठा लेता हूँ अपने फेसबुक आईडी से इमेज उठा लेता हूँ, तो
इसी के साथ तो ये पर्सनल चला गया, चलो कोई बात नहीं। ये चलो कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आके मैंने कहाँ पे गया, यहाँ पे सर्च कर लेना कहाँ पे इमेज आपकी, ये पड़ी इमेज, ठीक है। तो इमेज लगानी है यहाँ पे, डमी लगाई हुई थी पहले, तो हमने जस्ट आके यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो गाइस ये देखिए, एंड बूम देखिए, ठीक है गाइस, हो गया ना ऑसम। तो फिर इसी के साथ बस इसका एक ड्रॉबैक है कि आप इसमें ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं कर सकते खुद से, कस्टम इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन ये बेस्ट है अगर आपने कम वक्त में अपनी पोर्टफोलियो बनाना है या किसी को स्टैटिक वेब पेज बना के देना है, तो वो सबसे ये बेस्ट चीज़ है। और यहाँ पे आप कंटेंट्स वगैरह लिख सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं क्योंकि टाइम अप हो गया है। तो इसी के साथ बाकी नेक्स्ट वीडियो में।